हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज की वीडियो में मैं डायपर सीरीज़ का ही एक और वीडियो लेकर के आई हूं और आज मैं बात करने वाली हूं क्लोथ या फिर रीयूजेबल डायपर्स के बारे में, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। मैं अपने कई वीडियोस में आप लोगों को ऐसा डायपर दिखा चुकी हूं और मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि इसके बारे में भी मैं अच्छे से इन्फॉर्मेशन दूँ। तो मेरा क्योंकि सीरीज़ चल ही रहा है, इस सीरीज़ के अंदर मैंने डायपर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं और आगे भी कई वीडियोज़ में शेयर करने वाली हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू डायपर्स, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। और आज हम बात करेंगे इस तरीके के क्लोथ डायपर्स के बारे में। इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं बट कई सारे इसके डीमेरिट्स भी हैं, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये जो डायपर्स हैं ये बहुत सस्ते नहीं आते हैं, इनमें अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आपको सारा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पता होना चाहिए बिफोर बाइंग दीज प्रोडक्ट्स। तो आज का वीडियो आपको पूरा डिटेल बताऊंगी मैं, इसलिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगा, एंड तक ज़रूर देखना। और उसके बाद भी कुछ क्वेरी रह जाए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना आप, मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट। सो विदाउट मच अडू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको उसका बेसिक डिज़ाइन और स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर बटन वगैरह लगे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। मतलब ये एक प्रोडक्ट आपके हर एज के बच्चों के लिए आ जाएगा, 3 मंथ से लेकर के 3 ईयर्स तक के बच्चों को आप इसे पहना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट बटन है, तो ये बेल्ट एरिया जो है इसका ये एडजस्ट हो सकता है आराम से, इतना पूरा इसमें स्कोप दिया हुआ है। और यहाँ से ये जो मैंने दिखाया है ये छोटा कर दिया था, अभी ये बड़ा हो गया है, तो ये आराम से किसी भी एज ग्रुप के बच्चों को आ जाएगा। तो नॉर्मली आप 2-2.5 साल तक ही बच्चों को पहनाते हैं एंड देन फिर बॉडी ट्रेन ही कर देते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर बटन दिया है, एंड देन फिर यहाँ पर मैं थाई एरिया की बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी इलास्टिक दी हुई है, जो कि बच्चों के थाइज़ में फिट हो जाती है। और जैसा भी बड़ा बच्चा हो ये पूरा स्ट्रेचेबल है, तो जितना भी बड़ा बच्चा हो उसकी जैसी भी थाइज़ हो उसमें ये एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन फिर यहाँ पर ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं ये अगर आप क्लोजअप में समझ पाएँ देख पाएँ, तो ये फ्लीस या फिर जैसे माइक्रोफाइबर होता है, ये कुछ उस तरीके का मटेरियल है, कॉटन ही है लेकिन ये थोड़ा सा एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, ये सूसू वगैरह को जो है वो अब्जॉर्ब कर देगा और ये बच्चे की स्किन को ड्राई करेगा, ये इसका खास फीचर है। और अगर मैं पीछे इसकी बात करूँ तो ये जो है ये जैसे वो पानी अब्जॉर्ब करने वाला रहता है ना, मतलब कुछ रेनकोट जैसा इसका जो मटेरियल है वो है ये। तो ये क्या है कि आप बच्चा जब सुसु करता है तो ये पार्ट जो है वो सुसु को अब्जॉर्ब कर लेता है, ड्राई करता है, और ये वाला पार्ट है जो इसकी वजह से वाटरप्रूफ बना रहता है, जो भी सुसु पॉटी है वो बाहर नहीं आती है। तो आपकी बेडशीट है या आपने गोद में लिया हुआ बच्चे को तो ये लीक नहीं करता है, बच्चे मतलब जो भी कुछ है वो सब कुछ अंदर इंटैक्ट रहता है। देन फिर यहाँ पर ये पॉकेट भरा हुआ है, इसलिए इसको पॉकेट डायपर भी बोलते हैं। पॉकेट का मतलब ये है कि यहाँ पर आप इस तरीके की जो क्लोथ पैड्स होते हैं वो आप डाल सकते हैं बच्चों के डायपर में, जिससे कि ये बेसिकली सोकिंग कैपेसिटी इसकी होती है। इसमें बच्चा 1 से 2-3 सूसु जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। ये कैसा है, ये नॉर्मल जैसे टॉवल होता है ना, तो टॉवल को 3 फोल्ड करके बना स्टिच कर दिया है, ये वैसा है। यहाँ से देखिए ये कुछ इस तरीके का 2 है और एक इसके अंदर और 1 या 2 कुछ लेयर्स बनी हुई है। तो ये बेसिकली थोड़ा मोटा होता है और ये इसके अंदर इस तरीके से डाल दिया जाता है। यहाँ ये इस तरीके से डाल दिया बस, तो ये देखिए यहाँ से ये इसमें डाल दिया और यहाँ पर बच्चे को पहना दिया। तो बच्चा जो भी सूसू वगैरह करता है वो ये वाला पार्ट जो है वो अंदर से अब्जॉर्ब कर लेता है और ऊपर बच्चा मतलब रीयूज़ कर सकते हो आप इसे। जैसे डायपर में बच्चा सूसू करता है तो आप तुरंत चेंज नहीं करते हो, तो वैसा हो जाएगा, ये डायपर जैसा काम करने लग जाएगा। तो ये इसके कुछ गुड फीचर्स हैं कि आप इसे आराम से लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हो और ये इस तरीके से हैं। अब मैं आपको इसके कुछ ड्रॉबैक्स बताती हूँ, बिकॉज़ मैंने इसको आरएफ के लिए बहुत लंबे टाइम तक यूज़ नहीं किया था। तो क्यों नहीं किया था वो भी मैं आपको इसके कुछ डीमेरिट्स बता देती हूँ। तो सबसे पहला जो इसका डीमेरिट है वो है ये इलास्टिक, जो इसकी गुडनेस भी है बट मुझे ये पर्सनली बहुत प्रॉब्लम की, बिकॉज़ यहाँ से जो है क्योंकि ये कपड़े का है, जो नॉर्मल डायपर्स में इलास्टिक लगी होती है ना वो कपड़े की नहीं होती है, वो बहुत ही सॉफ्ट सा एक मटेरियल होता है, बहुत ही पतला थिन सा, तो वो बच्चों को कभी भी टाइट नहीं रहता है। बट ये क्योंकि कपड़े का है आप देख ही सकते हो कि कितना मोटा है, तो ये लंबे टाइम तक जब बच्चे को पहनाया आपने 4-5-6 घंटे तक पहनाया है तो ये बच्चों के वहाँ पर टाइट सा, अगर ये लूज़ रहेगा तो इसमें से लीकेज होगा, अगर आप इसे टाइट कर देते हो तो बच्चों के वहाँ पर
जैसे निशान जैसा आने लगता है जब आप कोई टाइट कपड़े पहनते हो, तो वैसा होने लग रहा था। एंड सेम वे में यहाँ पर भी हो रहा था कि यहाँ पर इलास्टिक तो नहीं है, बट अगर आप इसे टाइटली फिट करोगे, वैसे इंस्ट्रक्शन ये है कि दो उंगली का गैप जो है वो रहना चाहिए, उतना टाइट आपको करना चाहिए कि इसमें दो उंगली आराम से लूज़ कर सके। तो उसमें क्या होता है, अगर बच्चा आपका सुपर एक्टिव है तो वो लीक करने लगता है, और अगर आपने बहुत अच्छे से टाइट कर दिया तो फिर बच्चे को यहाँ पर बेल्ट एरिया के पास में अनकंफर्टेबल भी लग सकता है। तो आरव को पर्सनली ये डायपर उतने पसंद नहीं आए थे, वो जैसे ही इनको देखता था तो मना करने लगता था। तो मैंने इनको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बट हाँ जब मैंने इसे सूसू और पॉटी ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया था, देन फिर मैंने इसको ओकेजनली यूज़ किया था। एंड दूसरा कि मेस की अगर मैं बात करूँ, गंदगी की बात करूँ, तो देखिए ये भी गंदा ही होगा, और इसके अंदर ये जो नैपी पैड डाला हुआ है वो भी गंदा होगा अगर आप सूसू पॉटी जो भी बच्चा करता है। हाँ ये है कि आपका जो बेडशीट वगैरह है वो सब मेस नहीं होगा, तो वो एक चीज़ है कि मतलब इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ एडवाइज़ करूँगी कि अगर आप ये यूज़ करना चाह रहे हो तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने जितनी बार यूज़ किया तो मैंने इसको ना यूज़ करके ये ऊपर से लगाया, इसको अंदर ना डाल के ऊपर रखा, ताकि इसमें जो भी सूसू पॉटी हो वो सिर्फ इसमें हो और मैं इसे हटा दूँ और इसके अंदर मैं दूसरा नैप में ये जो पैड्स है दूसरे वो इसमें लगा दूँ। तो ये एक पैड इसके साथ फ्री आता है, जो भी आप क्लोथ डायपर यूज़ करते हो उसमें एक पैड आपको फ्री मिलता है, और उसके अलावा आप इसे मार्केट से अलग से भी परचेस कर सकते हो। तो ये है मतलब ये इस तरीके से मैं यूज़ करती थी, तो आपको भी मैं एडवाइस कर दूंगी कि आप भी ऐसे कीजिए, कोई लीकेज वगैरह नहीं होता है। एंड उसके अलावा जो एक और ड्रॉबैक लगता है वो ये कि बहुत ज़्यादा बल्की सा, बहुत ज़्यादा मोटा सा हर जगह देखे, क्योंकि कपड़ा एक्चुअली में मोटा ही होता है ना, तो यहाँ पर ये मोटा मोटा सा है ये पूरा इसमें, मतलब बच्चे को पहना दो तो एक डायपर की बजाय वैसे लगता है जैसे उसने तीन चार डायपर्स पहन रखे हो, तो बच्चे को बहुत हैवी सा लगता है। तो बच्चा टू बच्चा डिपेंड करता है कि कई बच्चे इसमें काफ़ी इन्जॉय भी कर लेते हैं बट कई बच्चे नहीं कम्फर्टेबल रहते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले भी बोला कि आप पहले एक मंगा करके उसको चेक कर लीजिए कि आपको वो सूट कर रहा है, बच्चे को सूट कर रहा है कि नहीं। एंड कॉस्ट की अगर बात करूँ तो ये आपको अराउंड 500 एवरेजली आपको अलग अलग ब्रांड्स का मिलेगा, तो एटलीस्ट 500 आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है एक डायपर में। ये जो मैंने लिया है ये 500 का ही एक है, मैंने आई थिंक 900 या 950 में दो खरीदे थे। हाँ तो मैंने दो खरीदे थे, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक ही ख़रीदना चाहिए था, बिकॉज़ ये वाला बिल्कुल नया है, और मैंने ग्रीन जो अपने और दूसरे वीडियोस में दिखाया है वो मैंने यूज़ किया था, एक यूज़ किया है, ये वाला बिल्कुल नया है, बिल्कुल भी मैंने इसे कुछ भी मतलब नहीं ट्राई किया है, क्योंकि एक में ही हो गया था, आरफ ने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया इसको। एंड एक और इसका डिमेरिट जो वो ये है कि ये सूखने के लिए बहुत अच्छी धूप चाहिए आपको, और इनको धोने के लिए भी आपको मतलब जैसे मशीन वगैरह में आप इसे वॉश नहीं कर सकते हैं, इसमें आता है कि मशीन वॉश कर सकते हैं बट बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ, बिकॉज इसकी इलास्टिक लूज हो गई, बटन्स निकल गए, तो जो आपने 500 रुपये इसमें वेस्ट किए हैं वो सारा जो इसका लेने का पर्पज़ है कि आप इसे मतलब 2 साल तक 3 साल तक रीयूज़ कर पाएँ वो वेस्ट हो जाएगा। जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट की हम बात करें वो भी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रेंडली तभी होगा जब हम इसे लंबे टाइम तक यूज़ ना करें। अगर हम इसे भी फ्रीक्वेंटली ऐसे यूज़ एंड थ्रो करेंगे कि हर एक मतलब 2-3 महीने में इसे थ्रो कर देंगे, साल भर में हमने इसको भी काफ़ी सारा यूज़ कर लिया, तो हमारे पैसे भी वेस्ट होंगे और उस कंडीशन में ये एनवायरनमेंट के लिए इतना फ्रेंडली नहीं होगा। तो इसको लंबे टाइम तक यूज़ करने के लिए आप मशीन वगैरह में ना धोएं तो ही वो अच्छा रहेगा, तो ही पर्पस सॉल्व हो पाएगा। और हाथ से धोने के लिए आप देख रहे हैं कि एक बार सूसू करता है बच्चा तो आपको ये भी धोना है, ये भी धोना है, तो उतना भी बहुत ज़्यादा मतलब ईज़ नहीं है जितना कि आपको लग रहा है कि हाँ भाई आपकी शीट वगैरह, इससे बेहतर कि आप वो जो शीट आती है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, उस पर अगर बच्चा नॉर्मल लंगोटे वगैरह जो पहनता है क्लोथ नैपी पहनता है तो वो एक शीट ही आपको धोनी होती है और उसको धोना ज़्यादा ईजी है इसके कंपेरिजन में, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ठीक है, आप इसे धो भी लेते हैं तो उसको सुखाने में भी ये काफ़ी टाइम लगता है, हालांकि इनके जो मार्केटिंग होती है वो यही बोलते हैं कि बहुत जल्दी से सूख जाता है, बट ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है। इसको सुखाने के लिए आपको धूप में डालना पड़ेगा, कड़ी धूप में, ताकि जो भी इसके अंदर जर्म्स बैक्टीरिया है वो भी मर जाएँ और ये जल्दी अच्छे से सूख जाएँ, तो वो भी एक टास्क है। और साथ में अगर आप ये, क्योंकि बच्चा जो है वो शुरू में एटलीस्ट 6 महीने तक तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली वो सूसू पॉटी करता रहता है, तो ऐसे में एटलीस्ट आपके पास घर में नहीं भी अगर कुछ, अगर आप इसे दिन भर धोते भी हैं तो भी आपको, मेरे को लगता है कि 5 पीसेस तो होने ही चाहिए, ताकि आप 2-3 को धोएँ सुखाएँ, जब तक वो सूखे तब तक आपके पास हो, तो एटलीस्ट अगर आप दिन भर भी धोते हैं तो आपको एटलीस्ट 5 पीसेस चाहिए इसके, तो यानी कि एक बार में आपको मतलब 2500 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 5
5 5 25 2500 का, तो वो एक चीज़ है, उससे कम में तो काम नहीं चलेगा बिकॉज और अगर आप दिन भर में इकट्ठा करके एक बार धोना चाहते हैं तब तो आपको और भी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी लगेगी। तो यस, आप मतलब उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अपील नहीं किया ये प्रोडक्ट बिकॉज उतना ज़्यादा ये हैंडी नहीं है। उससे बेहतर तो मुझे लगता है कि जो सिंपल जो क्लोथ नैपीज आती है, मेरे पास एक्चुअली मैंने वैरायटी ऑफ क्लोथ नैपीज भी यूज़ किए हैं, उसमें भी काफ़ी सारे डबल ट्रिपल लेयर्ड आते हैं। तो अगर आप सिर्फ कॉटन पे ही रहना चाहते हैं, आप डायपर्स नहीं यूज़ करना चाहते तो मैं आपको वो वाली सजेस्ट करूँगी क्योंकि उनको वॉश करना ईजी होता है एंड उनको यूज़ करना, उसके नीचे आप चाहो तो डायपर एक जो शीट आती है ना आप वो लगा लीजिए ताकि कोई भी मैस वगैरह अगर होता है तो सिर्फ वो शीट जो है वही गंदी होती है, उसको आप धो सकते हो और वो जल्दी सूख भी जाती है। लेकिन अगर आपको क्लोथ मतलब नैपीज या डायपर्स में इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको इसकी बजाय उसमें आपको बोलूँगी क्योंकि जितने में ये एक आता है उतने में वो 3-4 आ जाएंगे और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं जितने मुझे मिलेंगे, मैंने नहीं कुछ तो एटलीस्ट 4-5 टाइप के डायपर्स जो हैं नैपीज जो हैं वो आरफ के लिए ट्राई किए थे। अभी मुझे जितने मिलेंगे मैं आपको दिखा दूँगी और बाकी के लिंक्स भी दे दूँगी अगर आप को चाहिए होंगे तो। बट मैं इस वाले प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हूँ, मैं इसको उतना ज़्यादा रेकमेंड नहीं करना चाहूँगी क्योंकि महंगा भी है और उतना ये ईज़ नहीं है इसके साथ जितना कि ये क्लेम करते हैं। तो ये किसी भी ब्रांड्स का हो बट येस, आप एक दो ट्राई कर सकते हो, एक दो आप जैसे चेंज करके पहनाना चाहो तो आप कर सकते हो कि आप थोड़ा कभी डायपर्स ले लिया, बच्चे ने पॉटी वटी कर दी तो फिर आप इसको यूज़ कर लो। और इसकी सोकिंग कैपेसिटी की भी अगर मैं बात करूँ तो सॉरी, तो ये नाइट डायपर्स के जैसे काम नहीं कर सकते, स्पेशली जब आपका बच्चा 6 महीने से ज़्यादा होता है तो ये एक बार में एक सूसू में ही ये काफ़ी अच्छे से गीला हो जाता है और दूसरी सूसू को सोख, क्योंकि अल्टीमेटली ये 3 टॉवल जैसा कपड़ा ही है। एक 6 महीने से बड़ा बच्चा जो होता है वो सूसू जितनी करता है वो ये एक बार में पूरा सोख कर लेता है। तो मुझे नहीं लगा कि 1-2 बार आप इसे यूज़ मतलब एक सूसू या मैक्सिमम आप 2 सूसू तक यूज़ कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है, आपको ये चेंज करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही था कि ये जो इसका इलास्टिक और ये जो बटन्स वगैरह हैं, और बच्चे जब पलटता है तो कुछ कुछ बच्चों को चुभता भी है। अब ये बच्चे ऊपर भी डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से अगर मैं 10 में से इसकी रेटिंग करूँ तो मैं इसे 5 रेटिंग भी दूंगी। ये मुझे बहुत ज़्यादा अपीलिंग प्रोडक्ट जो है वो नहीं लगा। इससे बेहतर है कि मैं आपको वो नैपीज़ के बारे में बोलूँ जो बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के क्लोथ नैपीज़ आते हैं मार्केट में बहुत अच्छी प्राइस में, आप उनको भी परचेस कर सकते हो। बट फिर भी आप अगर ट्राई करना चाहते हो, क्योंकि कभी कभी आपको कोई अच्छी चीज़ सूट कर जाती है, तो आप एक इसको मंगा करके ट्राई कर सकते हो। और अगर वो वेस्ट भी हुआ तो जैसे मैंने इसको यूज़ किया था आरफ को डायपर ट्रेनिंग देते टाइम, तब के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। जब मतलब सूसू और पॉटी ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को हम, तब उस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो एक मंगाने में कोई नुकसान नहीं, आप एक मंगा करके ट्राई कर सकते हो। 2-3 अच्छे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स इसको सेल करते हैं, बट मैं आपको सबका बोलूँगी कि आप सब में इन्वेस्ट मत करना बिकॉज अंदर का जो मटेरियल है ना वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको 2-3 प्रोडक्ट्स के लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो मुझे पसंद आए, जो मुझे अच्छे लगे थे, आप उनको वहाँ से परचेस कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल ज़रूर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना, और इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, सबके साथ में शेयर करना जिनको इस तरीके के प्रोडक्ट्स लेने हैं, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना बिकॉज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम श्योर कि आपके पास या तो बेबी आने वाला है या तो बेबी है। और मैं इस चैनल पर शेयर करती हूँ बेबी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड, पेरेंटिंग रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि आपके काम आ सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।